साउथ के सुपरस्टार मास महाराजा रवि तेजा की वन ऑफ द मच अवेटेड मूवी जिसका नाम है रावण असुरा। और अगर आप इस मूवी के हिंदी डब में रिलीज होने का वेट कर रहे थे तो फाइनली दोस्तों इस मूवी के हिंदी डब को लेकर बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है। और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ये मूवी आपको हिंदी डब में कब और कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, रावण असुरा जो कि 50 करोड़ के बजट में बनाई गई मूवी है और इस बार रवि तेजा की मूवी के लिए बहुत ही ज्यादा पैसे खर्च किए गए हैं। आमतौर से उनकी मूवी का बजट 20 से 30 करोड़ होता है, लेकिन इस बार एक बड़ी मूवी निकल कर आई है और उम्मीद की जा रही है कि दमदार स्टोरी के साथ साथ दमदार एक्शन सीन एंड दमदार सस्पेंस थ्रिलर सीन हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, रावण असुरा जो कि एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, और अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी की तो इस मूवी की कहानी आधारित है एक ऐसे व्यक्ति पर जो कि एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल है और इसने कई लड़कियों का मर्डर भी कर दिया है। तो आखिर ये क्रिमिनल है कौन, वो मर्डर क्यों कर रहा है, उसके मर्डर करने का मकसद क्या है, ये सारी जानकारी तो आपको पूरी मूवी देखने के बाद ही मिलेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सुपरस्टार रवि तेजा का कैरेक्टर जो इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा वो अब तक का सुपरस्टार रवि तेजा के कैरियर का सबसे बेस्ट कैरेक्टर होने वाला है और सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस होने वाला है। और अगर बात करें इस मूवी से जुड़ी अपडेट की और रिलीज डेट की, तो उससे पहले आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको साउथ की मूवी टीवी पर देखना पसंद है या फिर यूट्यूब पर या फिर सिनेमा घर में जाकर देखना पसंद है। आप मोस्टली मूवी कहां पर देखते हो, आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर बात करें इस मूवी से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट की, तो मैं आपको बता दूं कि इस मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर बहुत जल्द रिलीज होने वाला है। जी हां दोस्तों, 21 मार्च से 25 मार्च के बीच इस मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर को रिलीज कर दिया जाएगा। और अगर बात करें इस मूवी की रिलीज डेट की, तो ये मूवी आपको 7 अप्रैल को सिनेमा घरों में देखने को मिल जाएगी, लेकिन फिलहाल इस मूवी को हिंदी डब में नहीं रिलीज किया जाएगा। और अगर आप इस मूवी को हिंदी डब्ड में देखना चाहते हो तो इस मूवी के हिंदी डबिंग का काम अगले महीने से स्टार्ट हो जाएगा और 2 से 3 महीने के बाद आपको ये मूवी हिंदी डब्ड में देखने को मिलेगी, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।